लिए। लास्ट वीडियो में हमने ये थर्ड थ्योरी पढ़ ली थी तो अब हम इसकी एग्जांपल पे आ गए थे स्केचर सिंगर थ्योरी में क्या था कि सबसे पहले अगर कोई अगर आप कुछ इवेंट को एक्सपीरियंस करते हैं उसमें अगर आप सबसे पहले क्या होगा फिजियोलॉजिकल अराउजल होगा फिर आप उस चीज़ को एक रीज़न देंगे और उसके बाद क्या होगा आपको इमोशन एक्सपीरियंस होगा और इसकी एग्ज़ैम्पल कर रहे थे हम चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या होगा इवेंट होगा इवेंट क्या आ गया सिटिंग इन ए डार्क रूम अगर आप एक डार्क रूम में बैठे हैं और आप सडनली क्या किसी ब्रीथिंग की आपको ऐसे कुछ आवाज़ आने लगी ज़रूरी नहीं ब्रीथिंग कोई भी आवाज़ आने लगी तो उससे क्या होगा अराउजल क्या होगा आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा और आप क्या ट्रैवल करना स्टार्ट हो जाएंगे तो मतलब स्टार्ट हो जाएंगे ओके उसके बाद ये नहीं है कि आप सीधा इमोशन फ़ील कर देंगे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग फिर आप क्या करेंगे उस चीज़ को रीज़न देंगे आप अपने आगे पीछे नोटिस करेंगे क्या चीज़ है फिर देखेंगे मैं कमरे में अकेला हूँ डर लगेगा उसके बाद आपको क्या पता लगेगा कि आप डेंजर में हो जब ये सब हो जाएगा आप रीजनिंग दे देंगे उसके बाद क्या होगा आप इमोशन फ़ील कर देंगे कि आपको डर लग रहा है ठीक है सबसे पहले थी हमारी जेम्स लैंजे थ्योरी सबसे पहले उसमें क्या था कि फिजियोलॉजिकल अराउजल होगा और फिर क्या होगा इमोशन फील होगा कैनन बर्ड की थी उसमें क्या था कि जो इमोशन और फिजियोलॉजिकल अराउजल है वो एक साथ होगा बट इंडिपेंडेंटली होगा फिर आ गई हमारी स्केचर सिंगर थ्योरी इसमें क्या था कि हम रीजनिंग देंगे रीजनिंग मेन रोल प्ले करेगी ठीक है अब आ गई स्केचर सिंगर टू फैक्टर थ्योरी अब देखिए ये क्या है इन्होंने क्या बोला जो फिजियोला और इसमें टू फैक्टर क्या है फिजियोलॉजिकल अराउजल एंड कॉगनीशन कागनीशन का इंपॉर्टेंट रोल है उन्होंने क्या बोला फोकस ऑन द रोल ऑफ फिजियोलॉजिकल अराउजल एज ए प्राइमरी फैक्टर इन इमोशन जो फिजियोलॉजिकल अराउजल है उसको इन्होंने क्या बोला है प्राइमरी फैक्टर बोला है अब आ गया सजेस्ट दैट फिज फिजिकल अराउजल अलोन कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इमोशनल रिस्पॉन्स कि जो फिजिक फिजिकल अराउजल है वो क्या है फिजियोलॉजिकल अराउजल है वो अकेला किसी भी इमोशंस के रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है इट टेक इनटू अकाउंट द कॉग्निशन एस एस्पेक्ट ऑफ ए इमोशनल रिएक्शन ये क्या लेता है कागनेटिव एक्सपेक्ट एस्पेक्ट को भी इन्वॉल्व करता है चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं सबसे पहले ऊपर वाली एग्जाम्पल ही आ गई है इवेंट आ गया डार्क रूम ये आ गया एक्सटर्नल स्टिमुलस आपका अराउजल आ गया अराउजल में क्या आ गया फिजियोलॉजिकल अराउजल आ गया हार्ट रेट इंक्रीज़ और ट्रैवलिंग या बी पी इनक्रीज कुछ भी कर सकते हैं जो फिजियोलॉजिकल अराउजल हो रहा है वो अब आप उसको एक क्या करेंगे कॉगोनेटिव लेबल दे देंगे जैसे कि एसोसिएटेड दी फिजियोलॉजिकल अराउजल टू वो जो फिजियोलॉजिकल अराउजल है उसको हम फेयर के साथ कनेक्ट कर देंगे विच इज़ इमीजिएटली फॉलो बाय दी कॉन्शियस एक्सपीरियंस जब आप फिजियोलॉजिकल अराउज़ल को फेयर के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा वो इमीडिएटली किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा आपके कॉन्शियस एक्सपीरियंस के साथ और उसके बाद क्या होगा आपको इमोशन ऑफ फेयर ओके इस बार ये क्वेश्चन आया था नेट में कि जो आ, ये कौन सी थ्योरी में नहीं स्कैचर सिंगर की थ्योरी में इवेंट और इमोशंस के बीच में क्या होता है तो उनके ऑप्शन थे और उसका आंसर था आई थिंक कॉगनेटिव लेबल था ये क्वेश्चन आया हुआ था अब आ गया लास्ट थ्योरी आ गई लेजारस की इसमें क्या हो गया इन्होंने बोला ए थॉट मस्ट कम बिफोर एनी इमोशन और फिजियोलॉजिकल अराउजल। इन्होंने बोला है कि एक थॉट इसमें इन्होंने बोला कि थॉट मेन रोल प्ले करता है जैसे उसमें रीजनिंग थी थॉट मस्ट कम बिफोर एन इमोशन और फिजियोलॉजिकल अरोज़ल इन अदर वर्ड्स यू मस्ट फर्स्ट थिंक अबाउट योर सिचुएशन बिफोर यू कैन एक्सपीरियंस एन इमोशन इन्होंने बोला कि जब भी आप आप सबसे पहले अपनी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं उसके बाद जो भी इमोशन है आप उसको उसके बाद फील करते हैं जैसे इवेंट हो गया इवेंट के बाद थॉट आएगा फिर इमोशन या अराउजल होगा ठीक okay, है एग्जाम्पल देखते हैं आ, नहीं इन्होंने दो टाइप के ये बोले थे इमोशन लेजारस हैज़ डिस्टिंग्विश बिटवीन टू टाइप ऑफ अप्रेजल प्राइमरी एंड सेकेंडरी ये आपको शायद स्ट्रेस में भी है ये वाला uh, सबसे पहले क्या आ गया प्राइमरी अप्रेजल प्राइमरी अप्रेजल क्या होता है रेफर टू परसेप्शन ऑफ न्यू और चेंज इनवामेंट एज पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल इन इट्स कॉन्सिक्वेंसिस ओके स्केंडरी क्या गया असेस ऑफ वन कोपिंग एबिलिटी एंड रिसोर्स वैदर दे विल बी सफिशेंट टू मीट दी हार्म थ्रेट और चैलेंज ऑफ द इवेंट इसका मैं आपको एक जगह और बताती हूँ पर पहले ये बता देती हूँ प्राइमरी अप्रेजल क्या होता है इधर हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि जब हमें कोई चैलेंज फेस करना पड़ता है चैलेंज तो हम उसको बाद में नाम देते जैसे कोई सिचुएशन आ रही है हम देखेंगे हम उसको फेस कर सकते हैं कि नहीं हम उस सिचुएशन को पॉजिटिव नेगेटिव या न्यूट्रल लेंगे ठीक है फिर अगर हम उसको नेगेटिव या कुछ भी ले रहे हैं फिर जब सेकेंडरी अप्रेजल क्या हो गया हम देखेंगे अगर वो हमें फेस करनी पड़ रही है तो हमें उसका आ, मतलब अगर हम उसको पॉजिटिव लेंगे तो वो चैलेंज हो जाएगा नेगेटिव लेंगे तो उससे हमें स्ट्रेस हो जाएगा ये इसका मैं आपको बताती हूँ एक और देखिए ऐसे ये रहा इधर से समझने में सामने थ्रेट और चैलेंज प्राइमरी अप्रेजल और सेकेंडरी अप्रेजल अगर प्राइमरी अप्रेजल में हम देखते हैं इट इज़ ए स्ट्रेसर स्ट्रेसर क्या होता है कोई भी इवेंट जो कि स्ट्रेस मतलब बॉडी में स्ट्रेस का रिस्पांस प्रोड्यूस करता है वो उसको हम स्ट्रेसर बोलते हैं प्राइमरी अप्रेजल में क्या हो गया अगर हम बोलेंगे नो कोई सिचुएशन आई हमें लगेगा नहीं इससे हमें स्ट्रेस नहीं हो रहा है या स्ट्रेस नहीं क्रिएट होता हमारी बॉडी में तो वो चीज़ इधर ही खत्म हो जाएगी नॉट स्ट्रेस्ड ठीक है अब अगर हम बोलेंगे यस स्ट्रेस है तो सेकेंडरी अप्रेजल में क्या होगा कैन आई हैंडल इट हम सोचेंगे क्या हम उसे हैंडल कर सकते हैं अगर होगा नो तो हम उससे स्ट्रेस्ड हो जाएंगे और हम उस चीज़ को क्या एज ए थ्रेट लेंगे और अगर हम बोलते हैं यस तो अगर अगर हमें लगेगा कि हम इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं तो हम स्ट्रेस्ड नहीं होंगे हम उसको एज ए चैलेंज लेके उस चीज के साथ आगे वर्क करेंगे इसमें तो इसके साथ ही हमारी ये थ्योरीज खत्म होती हैं इमोशंस की तो मैं एक बार ये सारा दिखा देती हूँ आप आराम से इसको ंक्लूड करके बता देती हूँ जेम्स लैंड में क्या था पहले इवेंट होगा अराउजल होगा इंटरप्रेट करेंगे इमोशन आ जाएगा इन शार्ट ये क्या है कि कुछ भी जब हम एक्सपीरियंस करते हैं कोई इवेंट को तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल अराउजल होगा उसके बाद इमोशन आएंगे ठीक है एग्जांपल आप ध्यान से खुद देख लेना उसके बाद आ गया हमारा कैनन बर्ड की थ्योरी इसमें क्या कि सबसे पहले कोई भी इवेंट को एक्सपीरियंस करेंगे जो अराउजल और इमोशन आ रहा है वो साइमेंटेनियसली आएगा मतलब एक साथ आएगा बट इंडिपेंडेंट होगा तो ये एग्जाम्पल से आप डिफ्रेंशिएट कर लेना स्केचर सिंगर की थ्योरी में क्या था कि जो रीजनिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सबसे पहले इवेंट होगा अराउजल होगा उसके बाद हम उसको रीज़न देंगे और फिर जाके इमोशन आएगा और जो टू फैक्टर थ्योरी है उसमें क्या बोलते हैं कि जो फिजियोलॉजिकल अराउजल है वो प्राइमरी रोल प्ले करता है और कॉग्निशन हम सबसे पहले लेबल करते हैं जो भी फिजियोलॉजिकल हो रहा है उसको हम जिस इमोशन के साथ मतलब एसोशिएट करेंगे तो इमीजिएटली हमारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस उसको फॉलो करेगा और उससे इमोशन आएगा लास्ट आ गया लेज़ारस थ्योरी ये क्या थी थॉट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता और इसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी अपजल था तो ये स्ट्रेस में भी है नेक्स्ट वीडियो हम स्ट्रेस पे ही करेंगे ओके थैंक यू